समझे बच्चों? जी मास्टर जी। तो आ जाओ बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम हैं क्लास 6, 7, 8 की केमिस्ट्री कक्षा में। बच्चों, आपने मेरे लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री की जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने तत्व, प्रमुख तत्वों के नाम और उनके संकेत का अध्ययन किया है। अब हम लोगों ने उसका, उस जो वीडियो में जो हमारा अध्ययन हुआ उसका लाभ यहाँ मिलने वाला है। अभी हम दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ जो तत्व हैं उसमें कुछ जो है सो धन मूलक बनते हैं और कुछ ऋण मूलक बनते हैं। अब जो धन मूलक बनते हैं तो उनकी भी एक संयोजकता होती है और ऋण मूलकों की भी एक संयोजकता है। तो आज हम लोग याद करेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि धन मूलकों की संयोजकता क्या क्या, कुछ प्रमुख धन मूलकों की और कुछ प्रमुख ऋण मूलकों की। बाकी की बातें भी करेंगे लेकिन कुछ इसमें से कुछ प्रमुख आपको सिर्फ समझाने के लिए कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, केमिकल फार्मूला किसी भी यौगिक का केमिकल फार्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं उसके लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। जो उसमें जो धन मूलक बनाते हैं, जो धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसको हम लोग बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स, या फिर उनको हम लोग धन मूलक कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले तत्वों के समूह को हम लोग एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं या ऋण मूलक कहते हैं। अब उनके भी संकेत हैं और उनकी संयोजकता है, तो इस चार्ट के द्वारा हम देखेंगे इसकी क्या संयोजकता है और क्या जो है सो इस चार्ट के द्वारा हम देखेंगे उन धन मूलकों की क्या संयोजकता है। तो हाइड्रोजन, जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है सो धन मूलक है, एच पर प्लस आता है और ये जो है सो धन मूलक बनाता है, एक इसकी संयोजकता एक होती है। उसी तरह से सोडियम है, सोडियम भी धन मूलक है, इसकी संयोजकता एक है। पोटासियम की संयोजकता एक है, अमोनियम की संयोजकता एक है, मैग्नीशियम की संयोजकता दो है और ताम्र, तांबे की संयोजकता जो है सो कॉपर की संयोजकता एक भी है और दो भी है। तो जब उसकी संयोजकता एक होती है तो उसको अस लगाकर कहा जाता है क्यूपरस, और जब दो हो जाती है तो उसको कहा जाता है क्यूपरिन। ठीक है, तो ये कुछ हो गए धन मूलक। अब इधर कुछ है ऋण मूलक। अब ऋण मूलक में जैसे है कि क्लोराइड, जो कि क्लोरीन जो है सो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ये थ्योरी अलग है। तो ये जो है सो धन मूलक बनाएगा, आयन में तोड़ेंगे तो ये ऋण आयन में टूटता है और इधर के धन आयन में टूटते हैं, तो क्लोरीन पर ऋण आयन आता है, तो ये ऋण मूलक कहलाता है। इसको क्लोराइड पढ़ेंगे उस समय, इसकी भी संयोजकता एक है। याद रखना ये इनकी संयोजकता पॉजिटिव है और इनकी संयोजकता निगेटिव है, तो ये ऋण मूलक है, तो क्लोराइड एक। और उसी तरह से हाइड्रोक्साइड है तो उसकी संयोजकता भी एक है। और नाइट्राइट है, नाइट्राइट NO2, तो इसकी संयोजकता एक है, नाइट्रेट की संयोजकता दो है और कार्बोनेट की संयोजकता भी दो है। बाइकार्बोनेट जो एसिडिक रेडिकल है हमारा, इसकी संयोजकता एक है और सल्फेट की वैलेंसी जो है सो दो है। अब इस सामान्य चार्ट का प्रयोग हम कुछ रासायनिक, कुछ यौगिकों के, कुछ रासायनिक पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखने में करते हैं और ये 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा के लिए केमिस्ट्री का विषय का बेस बोन है और आपको इसको आना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ विद्यालय में बच्चे जो हैं सो इस तरह के तत्वों के नाम, उनके संकेत, उनकी परमाणु संख्या आदि याद नहीं रखते हैं और जिसके कारण उनको बहुत असुविधा होती है। हम प्रकाश संश्लेषण में जब हम लोग लिखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर ऑक्सीजन, फिर या कार्बोहाइड्रेट, लिखते हैं जब सूत्र का प्रयोग करते हैं
तो बच्चे उस समय काफी भयभीत दिखते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो ये मेरा प्रयास है कि आप ऐसा करेंगे तो ना हमारे सिर्फ मेरे ही विद्यालय के बल्कि इस बीआरसी क्षेत्र में या इस जिला में जितने ही विद्यालय हैं उसमें पढ़ने वाले सभी क्षेत्रों के बच्चे इसकी जान पाएंगे। तो वीडियो देखने वाले प्रत्येक लोगों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों के बीच, छठी सातवीं और आठवीं क्लास के बच्चों के बीच हम इसको शेयर करेंगे ताकि वे इसे जान सकें। अभी लॉकडाउन है और बच्चे जो हैं सो घर के उदासीन हैं, पढ़ाई उनकी धीमी चल रही है और हम लोग एक प्रयास है कि उनको जो है सो घर पे ही मटेरियल मिले। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग करके हम रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। बच्चों आपने अभी कुछ धन मूलकों के और ऋण मूलकों के संयोजकताओं को आपने देखा, अब उन संयोजकताओं का उपयोग करके हम उनके रासायनिक सूत्र को लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है सोडियम क्लोराइड, तो ऐसा आप पास में लिख दो बच्चों सोडियम और इसकी संयोजकता है एक, और क्लोरीन और क्लोरीन की संयोजकता है एक। ये धन मूलक है, ये ऋण मूलक है, आपको पता है। अब यहाँ पर ऐसे लिख दें हम लोग सोडियम के नीचे एक और क्लोरीन की संयोजकता उसकी एक, और इसको अदला बदली करके लिख देते हैं हम लोग, तो ये सोडियम के बगल में यहाँ एक आ जाएगा और क्लोरीन के लिए एक। इसका मतलब कि सोडियम और क्लोरीन का एक एक परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये मतलब है कि सोडियम क्लोराइड के एक अणु में सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु होता है। तो ये आपका हो गया रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड का। तो है ना आसान, केवल उनके संयोजकताओं की अदला बदली कर देनी है और पास पास बदल के लिख देना और इस प्रकार उनका रासायनिक सूत्र तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और आपको ऐसे कुछ लिखने हैं, आप प्रैक्टिस करो। जैसे सोडियम सल्फेट, तो ये सोडियम क्लोराइड का आपने लिख लिया सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम सल्फेट है, तो बच्चों सोडियम की संयोजकता भी आप देखें कि सोडियम की संयोजकता है एक और सल्फेट की संयोजकता SO4, ये पूरा जो है सो ऋण मूलक है, और इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता दो है। अब कैसे लिखेंगे, तो दो को सोडियम के पास लिख देंगे और एक को सल्फेट के पास लिख देंगे, क्योंकि पूरे पर एक है, एक नहीं भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Na2SO4। तो ये संकेत हो गया हमारा सोडियम सल्फेट का। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसका लिख सकते हैं Na2SO4। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करना और बाकी के आप लिख करके दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में डालोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, और इस तरह से आप अपनी केमिस्ट्री का अच्छा एंजॉय कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, धन्यवाद।